पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पीलीभीत बीसलपुर हाईवे पर नवादा महेश पतरासा कुंवरपुर के बीच एक कंटेनर ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी। ऑटो में सवार लगभग एक दर्जन से अधिक लोग घायल थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। यही नहीं, ऑटो रिक्शा की चपेट में बाइक भी आ गई, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और घायलों को पीआरबी गाड़ी और अपनी गाड़ी व 108 एम्बुलेंस से बरखेड़ा सीएचसी पहुंचाया, जिसके चलते घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके। बाकी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 3 शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोग आए थे, एक्सीडेंट का मामला था, क्या है पूरा मामला? ये एक्सीडेंट में अभी 15 लोग आए थे, जिनमें से 3 गायब थे, मतलब मृतक थे, और 11-10 सीरियस थे, जिनको रेफर कर दिया गया है और 2 मैं रेफर कहाँ किया गया? जिला अस्पताल के लिए। थाना बरखेड़ा क्षेत्र में सर एक एक्सीडेंट हुआ है, पूरा प्रकरण क्या है सर? देखिए, जो पीलीभीत हाईवे है थाना बरखेड़ा क्षेत्र में, बीसरपुर से एक टेम्पो बरखेड़ा की तरफ आ रहा था, उसमें एक ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसके कारण वो टेम्पो पलट गया। टेम्पो के पलटने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायलों को वहाँ थाना बरखेड़ा पुलिस ने तत्काल पहुँचकर सीएससी बरखेड़ा भिजवाया था, जिसमें से 7 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल का मेरे द्वारा विजिट कर लिया गया है, सीएमओ साहब से वार्ता कर ली गई है। डॉक्टर की टीम पहले से रेडी थी, उन्होंने वहाँ पर उन घायलों को रिसीव करके उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है और जिन लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उस तदनुसार उनका उपचार किया जा रहा है। थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा जो ट्रक है और ट्रक का ड्राइवर है, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। ट्रक और ट्रक का ड्राइवर थाने पर हैं, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, मौके पर शांति है। धन्यवाद।